भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष श्री दुष्यंत जी गौतम, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत, श्री भागवत शरण जी माथुर, श्री सत्यनारायण जी जटिया, श्री विजय सोनकर जी शास्त्री, श्री विजय सापला जी केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री रामनाथ जी कोविंद, श्री रमन भाई बोरा, श्री लालचंद जी आर्य, श्रीमती अनीता आर्य, श्री रमेश चंद्र रत्न और हमारे दिल्ली प्रदेश अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार जी वाल्मीकि। नारायण केसरी जी का बताइए, हम लोगों के दिग्गज का नाम ही छूट गया। आइए संजय जी, आइए 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 आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए आइए। हमारे हमारे अनुसूचित मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सब लोगों ने देखा कि जब श्री रमेश चंद जी रत्न मुझे बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे तो अपने राजनीतिक जीवन में जितने पदों पर मैं रह चुका हूं, जितनी जिम्मेदारियां मैं संभाल चुका हूं, सबकी उन्होंने चर्चा की है और मुझे यह लगा कि रमेश जी उन सब सारी जिम्मेदारियों की, उन सारे पदों की चर्चा करके आप लोगों के सामने मेरा कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मित्रों, एक ही बात कहना चाहूंगा, इस हकीकत को बराबर अपने चित्त में बैठाकर चलना कि मनुष्य अपने जीवन में पद के कारण बड़ा नहीं हो सकता है। मनुष्य का कद पद के कारण बड़ा नहीं हो सकता है, बल्कि मनुष्य का कद यदि बड़ा हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण बड़ा हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हों अथवा महात्मा गांधी रहे, चाहे अन्य बहुत सारी विभूतियां, संत रविदास जी रहे हों, संत तुकाराम जी रहे हों, कबीर रहे हों, किसी के पास पद नहीं था। लेकिन आज भी आदर सम्मान और श्रद्धा के भाव से याद किया जाता है तो ऐसे संतों को याद किया जाता है, क्योंकि ऐसी कृतियां थी जिन कारणों से उन्हें याद किया जाता है। और आप जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक सौभाग्यशाली ऐसी पार्टी है। भारत क्या है, भारत कहां रहता है, भारत को हमें कैसा बनाना है, इसके बारे में एक बहुत ही एक स्पष्ट सोच रही है भारतीय जनता पार्टी की। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक भारत को जैसा हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत हम बनाना चाहते हैं, वो हम नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ से ही यह सोच रही है और मैं जानता हूं कि हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां बराबर भारतीय जनता पार्टी को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश करती थी कि यह केवल बड़े लोगों की पार्टी है। कभी कभी कहा जाता था यह सवर्णों की पार्टी है। लेकिन यह आरोप लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो आधुनिक भारत के निर्माताओं में, प्रमुख निर्माताओं में जिनकी गणना होती है, पार्टी के स्तर पर सर्वसम्मत उनका जन्मदिन मनाने का फैसला यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया भारत में, तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों किया, वो तो इसी सोच के आधार पर ना कि जाति
पंथ अथवा धर्म अथवा मजहब के आधार पर यदि हम भेदभाव करके चलेंगे तो भारत को हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वह स्वप्न साकार कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। और आज की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह तो बीती बात हो गई है, आज के प्रधानमंत्री जिस समय उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था तो अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं सबका साथ और सबका विकास। देर भले ही हुई हो लेकिन मैं कह सकता हूं कि अंधेर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में यदि खोट रहा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुस्तान की अकेली गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी न बन पाती और हम यह कह पाने की स्थिति में अपने को न पाते कि आज हमारी यह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली एक गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है जिसने आजाद भारत के इतिहास में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। अपनी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए, जमाना भले ही आपको संदेह की नजरों से देखे लेकिन आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों से भी कहना चाहता हूं उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारी नीयत में कहीं खोट तो नहीं है। यदि हमने अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक दायित्व निभाने का फैसला किया है तो कहीं हमारी नीयत में कहीं खोट तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रकृति के कुछ शाश्वत नियम होते हैं और प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर ही देश की ही नहीं, समाज की ही नहीं, विश्व की ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की व्यवस्थाओं का संचालन होता है प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर। देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगी, नीयत यदि साफ रही है। और नीयत यदि साफ नहीं है हम जैसे परिणाम की अपेक्षा करते हैं वैसा परिणाम न तो हमें हासिल हो पाएगा और न तो जिनके लिए हम करना चाहते हैं उनके लिए हासिल हो पाएगा। यह बात हम लोगों को बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जैसी शानदार सफलता हासिल की है, लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट यह कहते हैं कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया है, तो मैं कहता हूं कि यह एकांगी एक पक्षी है, आपका यह विश्लेषण है बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐतिहासिक मोड़ तो आया है लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक चरित्र में बदलाव का सिलसिला भी यदि प्रारंभ हुआ है तो इसी समय से प्रारंभ हुआ है जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बनते ही हमारे नरेंद्र भाई ने क्या क्या काम प्रारंभ किए, केवल सचिवों को बुलाकर शासन प्रशासन का काम ठीक तरीके से कैसे चलाया जाए इसी की चिंता नहीं की है बल्कि उन्होंने कहा क्या, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, शौचालय साफ करो, शौचालय बनाओ, सांसद और विधायकों को कहा कि तुम कोई ना कोई एक गांव एडॉप्ट करो, गोद लो, जाओ आदर्श गांव बनाओ। गांव में कौन रहता है, धनवान लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वहां कौन रहता है, गरीब लोग रहते हैं ना। और अधिकांश गांव ऐसे मिलेंगे, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, इस हकीकत को जानता हूं, गांव में सर्वाधिक पॉपुलेशन यदि किसी की रहती है तो कमजोर वर्ग के लोगों की रहती है। हमारे प्रधानमंत्री ने यह चिंता की है, यानी इसका अर्थ यदि कोई निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकता है कि हम राजनीति
केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति यदि करते हैं तो जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं और समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, यह निष्कर्ष इससे निकलता है। श्रम का जहां तक सवाल है, मैं जानता हूं श्रम के मामले में हमारे इस देश का जो अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, बहुत सारे ऐसे अत्यधिक पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं जिस्म का पसीना बहाने में उनका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। आजाद भारत की सबसे बड़ी यह विडंबना रही है, इस श्रम को प्रतिष्ठा, इस श्रम को जो सम्मान मिलना चाहिए था, डिग्निटी टू लेबर, वह हासिल नहीं हो पाई। क्या आपको नहीं लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय रहे हों तो हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हों, स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर निकल आए? क्या भारत के इतिहास में कभी आपने देखा था? कभी यह कल्पना नहीं, कल्पना की थी। यानी यह संदेश दे दिया केवल इसी काम से, नाली साफ करने वाला, शौचालय साफ करने वाला, भले ही वो अपने उस काम को कर, उसका भी काम श्रेष्ठ है और इस देश की शासन और व्यवस्था भी चलाने वाले का भी काम श्रेष्ठ है। दोनों के काम की प्रकृति में अंतर हो सकता है, लेकिन किसी भी काम को छोटा और बड़ा इस रूप में उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सभी कामों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। तो हम एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो मैं यह मानता हूं जो सरकारें होती हैं उनकी भी एक अहमियत होती है और हमारी सरकार ने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया है। आजाद भारत के इतिहास में लंबे समय तक यदि किसी की सरकार रही है तो कांग्रेस की सरकार रही है। क्या आपने देखा कि कांग्रेस ने कभी ऐसा काम शुरू कभी सोचा भी? कभी नहीं सोचा, केवल वोट हासिल करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कमजोर वर्गों को बराबर इन्होंने एक वोट बैंक मानकर चला है, वोट बैंक मानकर काम किया है। और कोई राजनीतिक पार्टी यदि किसी समाज को, किसी समुदाय को वोट बैंक यदि मानकर चलती है तो मैं इससे निष्कर्ष निकालता हूं उन्हें सचमुच वह इंसान मानकर नहीं चलती है। प्रलोभन के आधार पर कभी कोई अवसर आया, चुनाव का समय नजदीक आ गया, कोई योजना चला दी, कुछ कर दिया, व्यक्तिगत रूप से अधिकतम कितने लोगों को मदद मिल सकती है इसकी चिंता कर ली और उसके बाद वो मानकर चलते हैं कि हमारा काम तो तमाम हो गया, इसके आगे हमें कुछ करना नहीं है। इम्पावरमेंट की बात तो की गई है,